है आपका देश के ऐसे पहले चैनल पर जो 42 कम्युनिटी और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। नमस्कार, मैं काव्या जैन एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपका शो अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज है 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। आपको हमारा शो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। आज के शो में हम बात करेंगे दालों में आई महंगाई को लेकर। आपको बता दें कि इस शो में दिए गए सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं, फिर भी कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच कर लें और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की लाभ और हानि के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है। नवभारत टाइम में प्रकाशित एक लेख के अनुसार दाल की बढ़ती कीमतों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार को चिंता है कि कुछ लोग दालों की कीमतों में हेराफेरी कर रहे हैं। अरहर दाल की कीमतों में एक साल में ही 31% की भारी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ अरहर दाल में ही नहीं बल्कि उड़द दाल की कीमतों में भी करीब 15% का इजाफा हुआ है। मसूर दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार को चिंता है कि बिचौलिए दाल की बोरियों का भंडारण कर रहे हैं, वे इसे गोदामों या दुकानों में जमा कर रहे हैं, सप्लाई सीमित कर रहे हैं। लाजिमी है कि आपूर्ति में कमी से कीमतें बढ़ेंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसे आम होने से रोकने के लिए सरकार औचक जांच करने की तैयारी में है। वह व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से नियमित रूप से अपने दाल के स्टॉक की जानकारी देने का अनुरोध भी कर सकती है। सवाल यह है कि क्या बढ़ती कीमतें केवल एक छोटे समूह की अनैतिक जमाखोरी के कारण है या इसके पीछे कोई अन्य वजह भी है। भारत में दालों का बहुत ज्यादा प्रचलन है, खास तौर पर तुअर यानी अरहर दाल का। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही घरों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यह कोई हाल की बात नहीं है, किसान लंबे समय से दालों के बजाय चावल और गेहूं को प्राथमिकता देते रहे हैं। यह कई दशकों से होता आ रहा है। उदाहरण के लिए 1951 से 2008 तक दालों का उत्पादन केवल 45% बढ़ा। इसके उलट गेहूं के उत्पादन में 1951 से 2008 के दौरान 320% की बढ़ोतरी हुई। किसान बड़ी मात्रा में दालों की खेती करने में रुचि नहीं रखते थे। इसका एक कारण दोनों फसलों के बीच पैदावार में अंतर भी है। दालों के प्रति हेक्टेयर 800 किलोग्राम उत्पादन होता है, जबकि गेहूं से 3000 किलोग्राम से अधिक उत्पादन होता है। केवल गेहूं ही लोकप्रिय नहीं हुआ, किसानों ने सोयाबीन की लाभकारी फसल की ओर भी रुख किया। जल्द ही उत्तर भारत के वे राज्य जो परंपरागत रूप से दालें उगाते थे कम लोकप्रिय होने लगे। नतीजा ये हुआ कि देश 1981 से दालों का आयात कर रहा है। हमारी वार्षिक मांग का लगभग 10% तंजानिया, मोजाम्बिक और म्यांमार जैसे देशों से प्राप्त होता है। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां मौसम समस्याएं पैदा करता है। दालों की खेती आमतौर पर सिंचाई के जरिए नहीं की जाती, ऐसे में मानसून का समय पर आना और चले जाना जरूरी है। कोई भी वेरिएशन उपज को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। यही हाल में हुआ, मौसम अप्रत्याशित रहा है, बीमारियों ने फसल उत्पादन को प्रभावित किया है, हम अपने लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। दिसंबर 2023 में दालों का शुल्क मुक्त आयात शुरू करना पड़ा है। शुरू में इस योजना को मार्च तक लागू करने का इरादा था। हालांकि देश में दाल का उत्पादन अभी भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, लिहाजा सरकार ने इस योजना को जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। हम बड़ी मात्रा में आयात कर रहे हैं। सरकार ने कुछ वर्ष पहले शुल्क मुक्त आयात भी लागू किया था। कारण है कि हम मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दालों का उत्पादन करने में असमर्थ थे। हालांकि हमें सुविधा के आधार पर अपनी नीतियों में असंगत परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सरकार को इस बात का एहसास है, साथ ही उसे यह भी पता है कि भविष्य में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर्याप्त प्रोटीन की कमी है। दालें ज्यादातर लोगों के लिए प्रोटीन का स्रोत रही हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि जैसे जैसे भारत की संपत्ति और डिस्पोजेबल आय बढ़ेगी, लोग ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने का लक्ष्य रखेंगे। इस उद्देश्य के लिए दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगी। ऐसे में किसानों के लिए दालों की खेती करना जरूरी है, वरना भविष्य में मांग आपूर्ति में असंतुलन हो सकता है। किसानों के बीच अधिक दिलचस्पी पैदा करने के प्रयास में सरकार ने पिछले एक दशक में दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक न्यूनतम मूल्य माना जा सकता है।
जिस पर सरकार किसानों से फसल की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसान कम बाजार कीमतों की अवधि के दौरान भी स्थिर आय की उम्मीद कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2022 की अवधि के दौरान अरहर और उड़द जैसी दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 47% की बड़ी फीस बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में किसानों के हित को बनाए रखने के लिए एक और अहम बढ़ोतरी की जरूरत होगी। सरकार को उम्मीद है कि देश 2028 तक दालों के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, इसलिए ऐसा करने के लिए किसानों को थोड़ा और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज का शो यहीं समाप्त होता है, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के लेकर। फर्दर डिटेल और रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल करें 9414056705 या 9887056704 पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।